अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। मुझे पता भी नहीं, इसने व्लॉग शुरू कर दिया तो मैं जा रहा हूँ पेंटिंग करने के लिए। आपको पता है कि मैं पेंटिंग का काम भी करता रहता हूँ साथ साथ, तो क्योंकि आपको पता है हमारे व्यूज डाउन हो गए हैं काफ़ी सारे। सब बहन भाई कहते हैं कि आप जो है ना कंटेंट चेंज करें, तो हमारा व्लॉगिंग का है तो हम डेली लाइफ शेयर करते हैं, तो हम मतलब कंटेंट चेंज करेंगे ना फिर हमारे और भी डाउन हो जाएंगे व्यूज, तो इसलिए ना हम दिल्ली वकील पर ही बनाते हैं। अगर हम झूठ बोले या ड्रामे करें, बड़े बड़े मार कुटाई करें, फिर तो फिर व्यूज आते हैं। शुरू शुरू में हमें समझ नहीं थी ना, हम दूसरों को देखते थे मार कुटाई और व्यूज अच्छे होते थे। कुछ मैं पिछली बार ही बताया था कि लोग जो है ना अक्सर, मतलब सब भी नहीं, कुछ लोग अक्सर जो है ना वो मतलब झगड़े लड़ाइयां और इस तरह की चीजें पसंद करते हैं। जो सीधा व्लॉग होता है ना, सादगी में होता है, साफ सुथरा होता है, वो नहीं पसंद करते, कुछ पसंद करते हैं। अब हमारे जो रेगुलर व्यूअर है ना माशाल्लाह, वो हमारे डेली रूटीन की व्लॉग को पसंद करते हैं। अगर हम लड़ाई झगड़े या इस तरह का कोई फतूर अल्लाह माफ करे शुरू कर दें ना, तो फिर सब जो है और भी आ जाएंगे लोग देखने के लिए, शौक से खुश होकर देखते हैं, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता उस तरह का जो है ना वो कंटेंट बनाना, तो लड़ाई झगड़े करना अल्लाह माफ़ करे। तो अक्सर जो है वो ऐसे करते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। आप वो काम करें जिससे लोगों को भी फायदा पहुंचे। तो देखें, आप देखें, हमें जो है ना वो तकरीबन 800-900 हज़ार बंदा देखता है, तो हम अगर नेगेटिव चीज़ शेयर करेंगे ना तो फिर उसका असर 800 हज़ार बंदों को पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव अच्छी चीज़ शेयर करेंगे ना, देखें फिर हमारी अच्छाई 1000 बंदों के पास जाएगी, तो हो सकता है उनमें से कोई हमारी बात पे अमल करे। तो अगर बुरा हम मैसेज देंगे तो सारा जगह पर बुराई उन पर असर करेगी, अगर हम अच्छा मैसेज देंगे तो फिर सारा जगह अच्छाई उन पर असर करेगी। तो इसलिए हम ना अच्छे अच्छे लोग बनाते हैं, लाइफ जो शेयर करते हैं। क्या हो गया? मैंने कहा जूता देखो कैसा हो गया बेचारा ना, ये ऐसे ही हो गया, ये देखो ये फट भी गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेंटिंग करने के लिए, अरहम को स्कूल छोड़ूंगा, स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं पेंटिंग करने के लिए जाऊंगा। इधर ये भी तैयार हो गया अरहम, तो अरहम को स्कूल छोड़ने जा रहा है अरहम, आज माशाल्लाह खुशी से जा रहा है ना? चाबी किधर है मोटरसाइकिल की? क्या पता चाबी किधर है? इसको ना पकड़ के इसने खींचा है, ये टूट गया। हमारी मानो भी आ गई है, टूट गया। ये देखो ना, इसने पकड़ के खींचा है इसको। हाँ, इसको तमीज तो है नहीं ना। चलो सलाम करो अरहम, आप चाबी ले आओ मोटरसाइकिल की। सलाम नहीं करोगे? चाबी ले आओ मोटरसाइकिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी भाई देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, कुछ कर रहे हैं, हम भी खैर से हैं, और हमारी दुआ है हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले मैं उठी और मैंने जल्दी से नमाज पढ़ के नाश्ता बनाना स्टार्ट किया, और बिस्तरे मेरे वैसे पड़े हुए हैं, फिर अरहम को तैयारी करवाना शुरू हो जाती हूँ। तो बिस्तरे जो है जब धूप आ जाती है फिर मैं यहाँ से उठा के अंदर रखती हूँ। अभी काफ़ी सारी धूप आ गई यहाँ पे, तभी इसको उठाना शुरू करते हैं और दूसरे काम भी स्टार्ट करते हैं जो हमने डेली रूटीन में करने होते हैं। तो इनको पहले उठा लेते हैं, पहले धूप वाला काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर सारी यहाँ तक धूप आ जाएगी। पहले मैं यहाँ से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर अंदर बरामदे से सफाई वगैरह करूँगी। और मिस्त्री भाई भी आ गए, उसने भी काम शुरू कर दिया है, तो हमारा बरामदा जो है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो है वो मेरे क्या ख्याल में काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सफाई वगैरह जो है वो सारी कर ली है, और अब बनाते हैं सब्ज़ी। और सब्ज़ी में हम बना रहे हैं रवां। कल जो है अहमद की आंटी ने भिजवाई थी थोड़ी सी रवां, तो मैंने सोचा है कि आज ये बना लेते हैं। ये आलू में बहुत मज़े की बनती है, आलू भी इसमें डालेंगे, और दूसरी सब्ज़ी भी नहीं है वो भी अहमद जब आएंगे वापस तो लेकर आएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल ये बना देती हूँ, उसके बाद जो है फिर सालन बना लेंगे। सालन मैं लकड़ी पर बनाती हूँ क्योंकि गैस पर ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। मैं जल्दी से आटा गूंथ के रख देती हूँ और फिर सालन बना लेती हूँ, और सालन को उतारने के बाद जल्दी से 6-7 जो है रोटियाँ बना लेती हूँ मिस्त्रों के लिए। तो कल भी काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि अहमद जो है वो मदरसे के बांस वगैरह और गार्डर लेने गए थे, तो इस वजह से ना काफ़ी लेट हो गई थी। तो उनको हमने दिया था तकरीबन 1 बजे खाना, तो आज मैं सोच रही हूँ जल्दी से बना देती हूँ और उनको जल्दी से खाना दे देते हैं। और यहाँ पर जो है फूल भी हमारे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इधर जो है हरियाली बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो हम सोचते हैं, रोज़ ही सोचते हैं कि इनको हम दूसरी उस जगह पे लगाएंगे पौधों को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है वो सूख चुके हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, शाम हो जाती है और फिर मिसेज जाते हैं, तो रात को वहाँ पे लाइट का मसला है, लाइट भी नहीं है, तो इस वजह से ना हम बस सोचते ही रह जाते हैं।
तो इंशाल्लाह आज है वो हम ज़रूर लगा लेंगे। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं रवा, और जल्दी से खाना बना के फिर देंगे मिस्त्रियों को। कल से तोड़ी थी ना, कल से तो ये थोड़ी सी सूख भी चुकी है, तो ये सुखा के भी बनती है। इसको जब सुखा लेते हैं ना, तो फिर इसको चावलों में डाल के पकाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये ख़ास तौर पे लोग चावलों में भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं वैसे, और इसका सालन भी बनता है। वो इसको बॉयल करके ना अच्छे तरीके से जब गल जाए, तो फिर इसको ना चावलों में डाल देते हैं, या इसको प्याज वगैरह में भून के सालन भी बना लेते हैं। तो अहमद जो है वो शौक़ से खाते थे इसका सालन, इसमें नींबू निचोड़ के ना, फिर वो कहते थे कि बहुत मज़ा आता है। तो मैं तो इतने शौक से खाती हूँ, अहमद जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इधर जो है ये हमारा जो है लाली भी आ गई है, इसको अपने उर्दू में क्या कहते हैं, अरे ये चलें ये भी खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, और आज की वीडियो जो है बहुत मज़े की होने वाली है, और हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। तो हम सोच रहे थे कि जल्दी से जो है बरामदा बना लें, और उसके बाद जो है हम वहाँ पे अपना कुकिंग जो है वो वहाँ पे बनाया करेंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे। मिट्टी का चूल्हा भी बनाएंगे, और लकड़ियाँ वगैरह भी ले लिया करेंगे, क्योंकि गर्मी है ना यहाँ पे काफ़ी ना तपश हो जाती है। तो वो कच्चा घर है सारा मिट्टी का है, तो वहाँ पे पानी वगैरह लगा लेना, तो काफ़ी ठंडक रहती है। रात को भी बहुत मज़ा आ रहा था, तो आज इंशाल्लाह देखेंगे अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ पे सफाई करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। हाँ अच्छा ठीक है, 145 कितना से लान सारे 145 हैं ना करा 145 हैं बता। अच्छा अच्छा चलें अभी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। हाँ हराम खा कर मर गए। अच्छा सलाम कर के मर गए, मैंने हराम खा कर मर गए। यार ऐसे कहा नहीं मान भाई, अगर हराम खा कर मर गए आज छत डाल जाएगी। आज ही सुपर जाएगी। हाँ शाह साहब आज छुट्टा हुआ हुआ है, आज सुपर जाएगी। आप हम लोग उससे गार्डर करवा लो, आप गार्डर टिकाएं, बांस टिकाएं, उसके बाद बांस टिकाएं, गार्डर टिकाएं, कहीं नहीं जाते गार्डर, बांस गार्डर नहीं जाते। हाँ बांस टिकाएं उसके। हाँ कल तपे डाल के लिपाई कर देना, कल का काम कम बचेगा ना आप लोगों का। क्या उसको यो करवा लो, किसको वो टेप शेप नहीं करवानी, कुछ नहीं होता, वो गिरने नहीं गिरता। ये कहता है कि आज हमें जो है ना आप मतलब आज आधी छुट्टी करने के चक्कर में है, आज मैं दीवारें बनाऊंगा फिर टेप शेप करना शुरू कर दूंगा, उसके बाद जो है ना मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा आप ये बांस लगाएं, गटर लगाएं हमारे टिकाएं, ये जब टिक जाएंगे ना उसके बाद आप तपले, कल आना तपले डाल के लिपाई कर देना, बस कल आधे दिन का आपका काम बचेगा। बाकी शाह साहब जो है बहुत आलसी बनता जा रहा है, इसको खींचना पड़ेगा तब जाकर ये फुल काम करेगा। ये देखें दीवारें बराबर हो चुकी हैं, तो जब गार्डर टिकाएंगे ना इसकी गार्डर की साइडों पे भी हमने जो है वो ईंटें देनी है ताकि ये फंस जाए। हाँ शाह साहब, हाँ यार मेरी बात सुनो ना, जब गार्डर टिकाओगे ना, गार्डर टिकाने में भी आपको टाइम लगेगा, आई समझ चाचा इमें है क्या ना, क्योंकि गार्डर टिकाएगा ना, गार्डर टिकाने के बाद भी इधर से भी ना वो ईंटें देगा, वो ईंटें फंसाएगा, उधर भी ईंटें फंसानी पड़ेंगी बांसों के साथ साथ। हाँ क्योंकि टाइम जो है वो काफी कम है, अगर कल ये बांस वगैरह गार्डर वगैरह खिलाएंगे ना बिखारेंगे ऊपर, तो कल जो है इनका काम मुकम्मल नहीं होगा, फिर लिपाई परसों के लिए बच जाएगी। आज ये ऊपर फैला दें गार्डर वगैरह बांस वगैरह, उसके बाद कल इनका काम बहुत कम बचेगा। आज हमारे पास बन रही है जी बेहतरीन सी माशाल्लाह जबरदस्त सी फली, रवा की फली माशाल्लाह जी। इसमें पानी ना डाला ज्यादा, अभी तो नहीं डाला था, डालना है शोरे का पानी, थोड़ा डाला तो तरन डालना, आई समझ। आलू गलाने के लिए ना पानी डालेंगे अभी फिलहाल, तो यहाँ लुक देखें माशाल्लाह कितना अच्छी लग रही है। तो आराम क्यों, मेरे ख्याल में आज छुट्टी भी जल्दी होगी। हाँ जाओ उसको ले आओ, वो साढ़े बारह होती थी पहले, अब पता नहीं कितने बजे होगी। मामू कह रहा था कि छुट्टी जल्दी होनी है आज, कल उनका जादूगर भी आएगा।
बता रहा था कि 200-200 रुपए लेके आने हैं, जादूगर आएगा। मैंने कहा जब जादूगर आए ना आप स्कूल ही नहीं जाना। अब इनके साथ में काम चेक करें, जादूगर आएगा जादू दिखाने के लिए 200 रुपए लेके आने हैं जी घर से। काम चेक करें इनके हैं, प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे ही तो करते हैं। अब ये गर्मियों की छुट्टियां नहीं करेंगे और एक घंटा पढ़ाएंगे बच्चों को। काम देखें भाई, एक घंटा भी हम बच्चों को आने जाने में लगे रहेंगे और हमें कोई काम नहीं है। होंगे कि फीस तो, हाँ वही ना, मैंने फिर मामू को बताया, मैंने कहा ये फीस के लिए कर रहे हैं ताकि जो है नाम भी बन जाए कि हम पढ़ा रहे हैं, और फिर जा छोड़ के आओ, फिर दोबारा घर पहुंचो, फिर लेने के लिए चले जाओ, तो आने जाने में घंटा लग जाता है। हाँ फीस से ज्यादा फिर बाइक का खर्चा इतना आ जाएगा आने जाने का। तो पढ़ाना है लेकिन कोई तमीज होती है, कुछ शऊर होता है भी, चलो किसी का एहसास भी करनी चाहिए। शहरों में तो उन्होंने मुंह खोले हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी का एहसास भी तो करना चाहिए ना। फिर यही होगा कि छुड़वा के फिर हम गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा देंगे। बस पानी मुझे पिला दो, फिर मैं जाऊँ उसको ले आऊँ। और हमको अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो बरामदा है ना, जो हम मदरसा बना रहे हैं घर के अंदर बच्चियों के लिए, तो उसका जो छत है ना उसकी बरामदे की, वो अभी डाल रहे हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने सारी सेटिंग करवाई है, बांस जो मैंने लगवाई हैं इनको, ये 10 बांस हमने लगवाए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तकरीबन हमारे मदरसे की जो साइज़ है ना वो 13-14 फुट है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक जो साइज़ है तकरीबन 27-28 फुट है। तो यहाँ 3 जो है वो गार्डर लिए हैं हमने और इनको भी फिक्स किया है, और बांस माशाल्लाह फिक्स हो चुके हैं। तो हमारी पत्तलें जो है वो भी रेडी हैं, ये देखें। ये मैं कुछ दिन पहले लेके आया था, जब बांस लेके आया था ना मैं, तब भी मैं ये पत्तलें लेके आया था, और कुछ पत्तलें हमारे पास पड़ी हुई भी हैं। मुंह बंद कर, नींद आई हुई है क्या ऊपर? भला कर। पीर सिंह का अपना घर है यार, यहाँ सारा जिंदगी रहा है, ये अपने बच्चों को सबको ले आए बेशक, ये बात है कोई यार। पीर सिंह के लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है, ऐसा ना शाह साहब? चल ये हालात है यार, यार इधर क्यों बढ़ाए हुए हैं ये? हाँ क्यों बढ़ाए हुए हैं यार? ये जो तने वाली साइड है ना, ये बचानी है हमने, जो इसका पान है ना वो काटना है हमने, इसको अंदर अंदर ठोंस दो उधर। नहीं है यार, मुंड कहाँ पे है, पान तो है, देखो कैसे सही सलामत जा रहा है आगे, ये देखो। हाँ बस अंदर से वो जो फुट दो फुट जो बच रहा है वो हम काट लेंगे, जो पांद वाली साइड है ना वो मजबूत नहीं है, तो तन्ने वाली साइड तो मजबूत है, तन्ने वाली साइड इसमें बचाई हुई है, इसकी काम चेक करें, ये देखें। हाँ ऐसे छत प्रेस यार, इमरान भाई आप अंदर से जाओ, वो फंसी हुई होगी कोई पतल वगैरह, पतल को निकाल दो यार, ये फिर बुरे लगेंगे, गंदे लगेंगे बाहर से खड़े हुए। हाँ ये तन्ना जड़ वाली साइड नहीं काटेंगे ना, जो पांद है ना वो मजबूत नहीं है वो हम काट लेंगे। आई समझ के गई, वो भी पहले वाले भी अंदर अंदर से चले जाओ, अंदर से कमरे के अंदर से ना चले जाओ, वहां से इसको कहीं कहीं से ना फंसी हुई होगी उसको निकालो और खींचो थोड़ा सा अपनी तरफ। चलें जी, अभी काम जो है ना वो काफी माशाल्लाह हो चुका है बेहतरीन। तो उधर से बांस निकले हुए थे वो मैंने आगे जो है वो ईंट के साथ ना मारा है ऐसे ऐसे करके, और भी अंदर चले गए हैं, फिर कुछ अंदर से बांस निकले हुए हैं, कुछ उधर से पांद निकले हुए हैं, तो वो हम जो है वो काट लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें इधर से ना ये वाले ये निकले हुए हैं, इनको भी आरी के साथ काट देंगे, ये भी निकला हुआ है, तो यहाँ तक हम इसको काट देंगे, उधर से भी यहाँ तक काट देंगे इसको, तो फिर ये हमारी लाल टैन रखने की जगह बन जाएगी। और इसको नहीं काटेंगे, इसको भी नहीं काटेंगे, और इसको हम यहाँ पे काट देंगे एक फुट, क्योंकि इसको भी ये सपोर्ट हल्की सी दे रहे हैं। तो ये जो है ना उधर बाहर से निकले हुए थे, इसके जो मुंडे हैं ना जड़ें हैं वो निकली हुई थी, मैंने कहा जड़ तो होती है मज़बूत बांस की,
वो अगर बाहर से निकल जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा, उसको हम काट देंगे तो। चलो पान तो वैसे भी लूज़ हैं, वो अगर काट देंगे तो कोई कोई मसला नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह मैं शाह साहब को कह रहा था, मैंने कहा आपका उस्ताद कौन है, तो इसने कहा मेरा उस्ताद मर गया। मैंने कहा आपको भी साथ ले जाता तो कितना भला हो जाता, लेकिन शाह साहब कहते हैं कि नहीं मैं देर तक जाऊँगा बाद में, ऐसा ना शाह साहब। उस्ताद साहब का शाह साहब का जो उस्ताद है ना वो चला गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है, इसको छोड़ गया यहाँ पे शर्मिंदा होने के लिए। ये ना इमरान भाई चले, हमारा बरामदा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन रहा है, चेक करें जी। हाँ छत पे मैं खड़ा था ना, मैंने आपको बनवाई है ना छत, हाँ दीवार तो वैसे भी ये अभी आपने खराब दी हुई है, ऊपर वाले पांच रद्दे। वो देखे मासी मीरा भी आ गई है, वो देखे मासी मीरा कौन सा काम करवाया गया हमारे साथ मिल के, काम तो फिर भी हमने करना है ना। मासी मीरा किस चले जी प्यारे बहन भाई, अभी ये क्या बोतल गन, अच्छा बोतल, मैं समझा मैं कुछ और समझा। अच्छा से पिएगा जी, कितना पियोगे? हाँ अब बताओ ना कितने लीटर वाली बोतल पियोगे? हाँ दुआ करोगे बोतल पी के? बहुत करेंगे यार, मैं आपको मजदूरी दूंगा, वो उसकी दुआ नहीं करोगे कि ये मुझे पैसे दे रहा है, मजदूरी दे रहा है? मुक्के पहन रहे थे प्यार से, मुक्के क्या पहन रही है, सारा काम तो खराब कर दी सारा, मुक्के क्या पहन ना दो पैसे यार, मैं पैसे ना पैसे कहानी है सर, भूखे आईया ये हालात है। चले चले इस बार शायद पैसे नहीं लेगा, बुखार आ गया वो देखें, वो बुखार आ गया, वो रोटी क्या खानी है आज, गोश्त खाओ, गोश्त करेले नहीं मिसाला था वो। अहमद आया हुआ है खाना खाने, तो इसे पूछते हैं कि सालन जो है वो कैसा बना है। जी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि ये किस टाइप का बना हुआ है, वैसे अच्छा तो लग रहा है देखने में। हाँ हमने ना ये फर्स्ट टाइम ये रवा और आलू बनाए हैं इस साल में फर्स्ट टाइम। हाँ वैसे तो पहले पिछले साल हम अक्सर बनाते रहे हैं। नमक पूरा कम है? नमक ले आओ, बहुत कम है। चले वैसे सही बना हुआ है। हाँ कितनी बहुत किसने दी है? ये जो है ना ये हमारी हमसाई है साथ वाली, तो बेचारी बहुत गरीब है, मतलब उसकी बेटी को ना ब्लड हर मतलब हफ्ते लगता है। अच्छा तो अब वो कह रही थी कि कोई भी ना उसको ब्लड भी नहीं देता बेचारी की बेटी को ना। अच्छा हाँ तो कहती है अब कहाँ से इतना ब्लड लगता रहे तो वो सही रह जाते, वरना फिर वैसे वो जब जिगर खून बनाना छोड़ देना फिर ब्लड लगता है, क्योंकि जिगर नया खून नहीं बनाता इसलिए फिर दूसरा खून लगाना पड़ता है। हाँ जी तो ये टिंडे भी दिए हैं और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ और एक देसी जो है वो चीज़ वो है जी लहसुन, ये बहुत मजे का लग छोटा छोटा है, लेकिन ये जो है सालन में ना अच्छा लगता है। ये भी वो बेचारी देती गई है, ये लहसुन हो गया ये हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम टिंडे और गोश्त बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी अच्छा बड़ी तो काम है, ऐसे काम नहीं होगा, काम ऐसे हो गया है बाकी थोड़ी देर है। नहीं आपने कहा है कि इसको फंसाएंगे फिर काम होगा, मतलब ऐसे काम नहीं होगा फिर गिर जाएंगे फिर क्या करेंगे, पहले जगह फिर क्या करेंगे, कैसे तो अच्छा मतलब आपको क्या चाहिए? इसके ऊपर खड़ के ना ये सामने मत्था बना के इसको मतलब उगा देंगे उधर, इसको वेज बंद कर देंगे, बंद कर वेज कर देंगे। चलें जी ये जो है ना फिर आगे जो गार्डन नहीं नजर आ रहे आपको, ये देखें ये इस तरफ जो है ना ईंटें देंगे, इस तरफ भी ये बराबर हो जाएंगे तो ये फिर मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने चार पाई क्यों नहीं उठाई? क्या बढ़ो यार चार पाई, मैंने कहा उठा लो आप या ऊपर बैठ के खाना खाओ, ऊपर बैठेंगे तो गर्म हो गई हमारे गांठ को पीछे लगेगी। अल्लाह के बंदे
यार उसको छांव में रखो, वो ठंडी हो जाएगी फिर बैठ जाओ ऊपर, या फिर उसको छांव में रखो वो उसकी जो रस्सियां है ना वो खराब हो जाएंगी, जल जाएंगी सारी। छुट्टी क्यों इसको, कौन तपले कौन ऊपर खिला देगा? नहीं नहीं आज इसको तपले वगैरह डाल दो, सारा कुछ फिक्स कर दो इसको, फिर कल सिर्फ आपको लिंबने वाला काम हुआ आपका। हाँ पीर सिंह आलसी बनता जा रहा है, अब देखो छांव पे इसने चार पाई भी नहीं रखा। ये दीवारें ऐसी बनी हुई है ना, मैं कवों का ख्याल मैंने किया हुआ था, कवों का। हाँ मैंने कहा कवे बैठ जाएगा दीवार पे, दीवार गिर जाएगी हमारी, इसलिए मैंने मैं ऊपर इंतजार किया, मैंने कहा एक कवा भी ना बैठने दूं यहाँ पे। सारे आलसी मेरे जमीन में, वे ज्यादा ठंडा हो जाएगा पानी। हाँ फार्मी मुर्गी है मेरे ख्याल में ये चार पांच दिन। ओए ऊपर नहीं, मेरा कूलर तोड़ रहा था ये।